फ्रेंड्स, तो नियमित रसोई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अर्चना सोनी। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड की मिठाई। मिठाई तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन ब्रेड से कुछ नया नाश्ता और मिठाई बनाएंगे जो आप जब आपका मन करे तब आप उसको बना के खा सकते हैं। तो चलिए उस ब्रेड वाली मिठाई की हम करते हैं तैयारी और देखते हैं ये हमारी मिठाई कैसे बनती है। तो देखिए, हमने 3 ब्रेड ले लिए हैं और इस तरीके से बड़े वाले ब्रेड हैं, और अगर आपके पास छोटे वाले हों तो आप छोटे वाले ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास बड़ा वाला था, और वैसे ज़्यादातर आप हो सके तो बड़ा वाला ब्रेड ही लीजिए, जो बड़ा आता है थोड़ा सा मोटा साइज में उसको ले लीजिए। और इस तरीके से हम इसको 4 पीस में कट कर लेंगे। और देखिए, मैंने इसी तरीके से सारे ब्रेड के पीस को काट कर 4-4 पीस में कर लिया है, और इतने सारे ब्रेड के पीस बन गए हैं। तो हम इसका बनाएंगे कुछ अलग सा, आज नई मिठाई बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत झटपट से बन भी जाती है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली थी और उसमें डाला था देसी घी। उसमें ब्रेड को हम इस तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, जब तक कि ब्रेड के टुकड़े हमारे बहुत अच्छे से लाल होकर क्रिस्पी ना हो जाएं, तब तक हम इनको सिकने देंगे। इसी तरीके से उलट पलट करके इनको बराबर चलाते हुए सेक लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारे सारे ब्रेड के टुकड़े लाल क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से और भी जो ब्रेड बचे हुए हैं उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और फटाफट बनने वाली मिठाई है और बहुत ही सरल तरीके से बन जाती है। तो इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में, और भी ब्रेड डाल देते हैं। तो देखिए, सारे ब्रेड इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिए हैं, और फिर से मैंने रखी है वापस कढ़ाई, और उसी में डाल देते हैं 2 गिलास दूध भरकर। और मलाई वाला दूध है बढ़िया सा, और इसको लगभग दूध हो गया हमारा 0.5 लीटर। और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं गैस पर। गैस फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, और बराबर चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। और उसके आगे आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके बिल्कुल ना करिए, स्किप करेंगे तो आपको ये मिठाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तो हमने कैसे इसको बनाया है। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी ली है, और 1 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर लिया है। थोड़ा सा ही डालेंगे जिससे कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ा बढ़िया मलाईदार हमारा जो रबड़ी बना रहे हैं बनकर तैयार होगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लगभग 1/2 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया था, अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारा दूध भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया और रबड़ी सा बनने लगा है। और इसमें मैंने लगभग 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दी है। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना मीठा आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हमने कस्टर्ड वाला जो दूध बनाया था उसको डाल दिया है, और उसको बराबर चलाएंगे। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो देखिए, दूध बहुत अच्छे से रबड़ी जैसा बनने लगा है, और इसको हम बराबर पकाएंगे मीडियम गैस पर बिल्कुल। और बराबर चलाते हुए हम रबड़ी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से बना के खा सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी रबड़ी लगती है, गाढ़ी गाढ़ी सी। तो इसको हमने ब्रेड के लिए आज बना कर तैयार किया है, और हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, हम आज बना रहे हैं ब्रेड शाही टुकड़ा, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको एक बाउल में परस कर रख दिया था, और ठंडा होने के लिए फ्रिज में, और 1/2 घंटे बाद इसको निकाला है, 30 मिनट बाद, और बहुत अच्छे से गाढ़ा। तो देखिए, इसी तरीके से रबड़ी हमारी बहुत अच्छी सी ठंडी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। और ब्रेड मैंने सेक कर रख दिए थे, बहुत क्रिस्पी हैं। आप इनको चाहें तो पैक करके भी रख सकते हैं, अब जब आपके मन करे तब इसको आप इस तरीके से रबड़ी में लगा कर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसके प्लेट में सेट कर लिया है। तो हम इसके ऊपर रबड़ी डालते हैं, और ठंडा ठंडा रबड़ी, तभी हमारे ब्रेड के साइड टुकड़े हैं ना तैयार होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम फटाफट इसको लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसमें डिप करके भी रख सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो और मैंने इसकी गार्निश करने के लिए मैंने लिया है, बादाम को कट कर लिया था और काजू को, और इस पर हम अच्छे से डाल देते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको गार्निश किया है साइड टुकड़े को, और देखिए
और हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से सर्व कर सकते हैं प्लेट को और शाही टुकड़े को। और रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और कई तरीके की मिठाई हम खाते हैं, घेवर है और बर्फ़ी वगैरह लड्डू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये शाही टुकड़ा है ब्रेड का। सिर्फ घर की कुछ चीज़ों से हम बनाकर तैयार करते हैं, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा भी है और कम मीठा भी है। तो आप इस तरीके से कम पैसे में और जल्दी फटाफट मार्केट ना जाए बगैर घर पर बना सकते हैं। तो हम आपको इसको दिखाते हैं कि पीस को उठाकर खाने में हमें तो बहुत टेस्टी लगा है। अगर आप इसको बनाकर खाएंगे और आपको अच्छा लगे तभी आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस रक्षाबंधन पर इस तरीके की ब्रेड साइड टुकड़ा बनाकर घर पे खा सकें। और अपने भाई को तो ज़रूर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगा इस तरीके की मिठाई। और मैंने दूसरा तरीका जो आपको बताया था, तो मैंने इसको चेरी से थोड़ा सा गार्निश किया है, इसे टूटी फूटी भी कहते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो। तो देखिए हमारा ब्रेड का शाही टुकड़ा बनके तैयार हो गया है। कहने को तो ये ब्रेड है लेकिन जब आप इस तरीके से इसको मिठाई के रूप देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप बनाइए और खाइए।